अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं हलीम, या आप बोले उसको दलीम। तो हम वो स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए जो जो चीजें हमें रिक्वायर है वो है, देखिए मैं यहाँ पे क्वांटिटी आपको बताती जाऊंगी। ये हाफ कप की मेजरमेंट है, सही है। तो यहाँ मैंने चना दाल ली है, ये देखिए ये बिल्कुल लेवल करके थोड़ी सी कम थी, ये मैंने पहले से मेजर किया हुआ था। ये हाफ कप है, हाफ कप मैंने यहाँ चना दाल ली है, ये सही, ये मैंने छोड़ दी है। हाफ कप मसूर दाल हो गई यहाँ पे, थोड़ी ज्यादा तो डाल दे, क्या है वो तीसरी मसूर दाल, क्या मसला हाँ वो भी है? डाल सकते हैं, चलो मैं डाल देती हूँ। ये माश दाल है, माश की दाल है, ये मैंने इसको भी हाफ कप लिया है। देखिए ये थोड़ी ज्यादा है, ये देखें इसकी मेजरमेंट नहीं थी, अब मैंने ली है, ये बिल्कुल हाफ कप है। इक्वल रखिएगा क्वांटिटी। ये मूंग की दाल है, ये देखें हाफ कप मूंग की दाल। बासमती राइस लिए मैंने जो नॉर्मल आपके घर में हो, वो भी हाफ कप लीजिएगा। सारी दालें और चावल ये सब हाफ कप एक ही क्वांटिटी जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ पे 1.5 किलो गोश्त का बना रही हूँ, तो इसलिए यहाँ हाफ ऑफ की क्वांटिटी रख रही हूँ। अगर आप 1 किलो या उससे आप कम का बनाते हैं तो क्वांटिटी आप खुद ही रिड्यूस करते जाएं। अभी यहाँ पे देखें, ये मैंने गंदम ले लिया है, हरी इसका पैक मिल जाता है यहाँ पे, तो उसको लेना है मैंने 1.5। पहले 1 कप की मेजरमेंट रखूंगी मैं, ये देखें 1 कप और ये हाफ कप, 1.5 कप, ये देखें। बार्ले जिसको जौ बोलते हैं हम लोग, उसकी क्वांटिटी ज्यादा नहीं है, ये हाफ कप से मतलब समझे ये 2 टेबल स्पून है। ये सब कर लिया है, अभी ये मैं इन सबको मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। इसको मिक्स करके ओवरनाइट इसको भिगो के रख दें, पहले धो लें अच्छी से, जब ये धुल जाए फिर इसको ओवरनाइट इसको भिगोएं। और मैं इसको भिगोने के बाद आपके सामने इसमें 1 टीस्पून के करीब बेकिंग सोडा डालूंगी। ये देखें बेकिंग सोडा मैं यहाँ डाल ली हूँ 1/2 टीस्पून। इसको अच्छे से मिक्स कर दें, ओवरनाइट इसको भिगो के आप रख दें। फिर ये कि इसमें सोडे का काम इसलिए होता है कि ये गंदम जो होती है हमारी वीट, इसको जरा अच्छे से वो पका देता है, जब इसमें सोडा ऐड होता है तो अच्छे से हो जाता है। तो चले फिर हम स्टार्ट करेंगे बाद में। अच्छा तो अब हमने करनी है हलीम के कोरमे की तैयारी। तो यहाँ मैंने देखे ये पूरा पीस ऐसे ही लेना है, इसको छोटा नहीं करना। ये तकरीबन 1.5 किलो के करीब गोश्त है। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा यहाँ 1.5 टेबल स्पून, और ये 1.5 टेबल स्पून यहाँ पे लाल मिर्च जाएगी पिसी हुई, गरम मसाला जीरा पाउडर जाएगा यहाँ पे 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, और बाकी नमक अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। और चले हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो मैंने यहाँ पे लेना है 1 कप के हिसाब से ऑयल। अभी देखिए मैं इसके अंदर कोई प्याज ब्राउन नहीं करूंगी, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट सिर्फ हमने ऑयल डालना है, थोड़ा फ्लेम को नॉर्मल करना है और इसके अंदर जाएगा गोश्त। फ्लेम को नॉर्मल ही रखिएगा ताकि गोश्त चिपके ना। यहाँ मैंने ये गाय का गोश्त लिया था और इसको मैं करूँगी बिना हड्डी वाला, ये रूखा गोश्त है। अच्छा मैंने लिया है थोड़ा सा चर्बी वाला गोश्त ना, और ये गाय का गोश्त है। अगर आप इसको मटन से बनाना चाहें तो उससे भी बना सकते हैं, और हड्डी वाला लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, थोड़ी उसकी यखनी जो होती है वो अच्छी लगती है। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ मैं यहाँ पे, और
थोड़ा उसको भून लें। यहाँ हेल्पर आ गया, यहाँ थोड़ा सा हाथ चेंज हो चुका है, कारीगर पीछे हो गया क्योंकि गोश्त को हिलाने के लिए थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। छोटा रखा हुआ उन्होंने, छोटा हाथ में नहीं रही। हाँ वो असल में वो बोटा है ना बड़ा, आपने टुकड़े नहीं करे इसलिए टुकड़े नहीं करे, और आपने भी नहीं करने क्योंकि हलीम में रेशा जब हमने रखना होता है तो बड़े टुकड़े ही अच्छे लगते हैं। मैं आ गया। अच्छा आप क्या डालना है? नहीं कुछ नहीं, मैं आ गया। अब क्या आएगा? अब ये देखिए इसकी हमने भुनाई करी है अदरक लहसुन डाल के, करने के बाद हमने यहाँ पे डालनी है लाल मिर्च, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला क्वांटिटी में आप लोगों को गिनवा चुकी हूँ, धनिया पाउडर, थोड़ा सा पानी लेंगे, उसको डालने के बाद उसकी भुनाई करेंगे। अभी देखें मैंने यहाँ पे 1 कप के करीब पानी लिया है, ये पूरा डालें और इसकी अभी मैंने भुनाई करनी है। इसमें कोई आप दही नहीं डालिएगा, जो दही डालते हैं मैं उनके लिए मैसेज है एक छोटा सा कि जब आप दही डालेंगे तो उससे हलीम ख़राब होने का डर होता है, हलीम आपकी ख़राब हो सकती है क्योंकि गर्मियों में ज़्यादातर हलीम बनाई जाती है। अभी देखें मैंने इसकी अच्छे से भुनाई करी है और यहाँ मैं पानी आपने अच्छा खासा रखना है, गोश्त को बिल्कुल गलाना है। इसको अच्छे से मिक्स करें, नमक नहीं डलेगा इस पोजीशन पे क्योंकि नमक डलते ही गोश्त अकड़ जाता है, बहुत टाइम लेता है गलने में। इसको ऐसे मिक्स करें, कुकर को बंद करें, कुकर को तकरीबन मैंने आधे घंटे के लिए बंद करना है, आधे घंटे के बाद देखूंगी इसकी पोजीशन क्या है। पहले मैं फुल आंच पे रखूंगी, फिर 10-15 मिनट के बाद मैं इसको मीडियम आंच पे पकाऊंगी। अच्छा देखिए मैंने वहां पे पानी ले लिया, अच्छा खासा लिया हुआ है पानी, और यहाँ पे मैंने देखिए ओवरनाइट मैंने इसको भिगो के रखा हुआ था सबको, ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। जब आप ऐड करें, ऐड करने से 5 मिनट पहले जरा चूल्हा ऑन करके पानी को गर्म कर लीजिएगा, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल पानी में उबाल आ जाए, बस ऐसा कि हल्का हल्का नीम गर्म सा पानी होने लगे, उस नीम गर्म पानी में ये ऐड होगा सारा। ये देखिए मैंने इसके अंदर अब 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी ऐड कर ली है और इसको हिला लें अच्छे से। इसमें भी नमक अभी नहीं जाएगा, पहले हमने इसको पकाना है, पहले फुल आंच पे रखेंगे, जब इसका ये पकना शुरू हो जाएगा और बॉयल आना लगेगा तब मीडियम आंच पे करके आपने कंटिन्यू इसको हिलाना है। जी कहाँ तक पहुँचा? ये देखें ठीक हो रही है, और मैं यहाँ थोड़ा सा भी पानी ऐड करूंगी, ज्यादा नहीं, थोड़ा ऐड करूंगी। गरम पानी लीजिएगा। हाँ ठंडा नहीं, नीम गरम, ज्यादा गरम नहीं और ठंडा भी नहीं। ये बिल्कुल प्रोफेशनल घोटे वाले अच्छा घोटा लग रहा है, अच्छा लगेगा इंशाल्लाह आप लोग देखिए। हाँ देखें अगर आप हलीम हो या देग हो, घोटने का तरीका जो है ना वो एक जैसा ही होता है, देख में जरा खुल के लग जाता है, इसमें जरा हाथ बचा के गिरे ना बात। अच्छा ये क्या है, हम लकड़ी के देखें चमचे से ये कर रहे हैं, आप दाल को जब पकाए ना तो स्टील के चमचे से मत करिएगा, दाल अकड़ती है। और दूसरी चीज़ ये कि आपने हैंड ब्लेंडर मशीन मदानी इस टाइप की कोई चीज़ इससे नहीं करनी है, वरना जो है ना हमारी जो लेसपन है ना वो नहीं आएगा इसके अंदर, फिर वो दाने दाने हो जाते हैं, वो मज़ा नहीं आता मार्केट वाली हलीम का। अभी घुट जाएगी सारी, ये जो हमारी स्पेशल कराची स्टाइल है ना हलीम, ये वो तरीके से हम बना रहे हैं, पूरे चारों कॉर्नर पे चल रहा है, देखते देखते भी सारा गायब। बिल्कुल इस टाइम पे आपने नीचे छोड़ना नहीं है, हल्के हल्के हाथों से आपने ऐसे हिलाते रहना है कंटिन्यूसली, वरना नीचे चिपक सकता है।
उसे पक जाएगा तो फिर टेस्ट खराब हो जाता है। बोलते हैं हंडिया में मजा नहीं आता घोटने में, देखने आता है तो देखें हंडिया का तरीका ये है, ऐसे घुमाते रहे और देख का तो आपको पता है मसला ही नहीं है, वो तो पूरा घुमाओ चमचा बहुत थिक होने लगे और आपको लगे आपकी दाल अभी इसमें गल नहीं रही है तो हल्का हल्का इसमें नीम गर्म पानी ऐड कर लें और ये 1 से 1.5 घंटा मीडियम फ्लेम पे पकेगी। अभी देखें मैं इसके अंदर, ये देखें मैंने 1 टेबल स्पून के करीब अभी नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। अभी हम फौरन इसमें और मजीद ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने अभी कोरमे को ऐड करना है इसके अंदर। ये देखें घुटने के बाद ये कैसा हो गया है, घुटा पूरा नहीं है अभी तक, अभी नहीं हुआ पूरा, हो रहा है लेकिन ये जो काम चालू है वीडियो बना रहे हैं वही घुटेंगे। हाँ मैं बनाऊंगा भी, मैं घुटूंगा भी जी, बिल्कुल फाइन आएगा टेक्सचर, फाइन मजीद घुटेगा। देखे इसमें ना मतलब ये जो थोड़ा बहुत दिख रहा है ना वो भी नहीं, गायब हो जाएगा सब, बिल्कुल लेस हो जाएगा, बेफिक्र हो जाएगा मैडम, तसल्ली बख्श काम करके देंगे आपको। यहाँ मैं कुकर खोल रही हूँ, और देखे कितना हो गया गोश्त मसाला, देखे ज्यादा मसाला पानी वानी नहीं है, गोश्त कितना गल गया मैं आपको दिखाती हूँ एक मिनट। वाह ये देखिए, बस 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 ज्यादा तोड़ना नहीं है, नहीं मतलब ये दिखा रही हूं मैं जी कि इतना ही मैंने रखना है रेशा, इतना ही मैंने गलाना है, आप जितना हो सके उसमें मतलब ये भी नहीं करना कि बिल्कुल कुकर तक मुंह तक पानी भर दें, लेकिन इतना रखें कि गोश्त बिल्कुल गल जाए, बिल्कुल भी इसमें कसर ना रहे। अब मैं इसके रेशा करूंगी, मैंने यहाँ फ्लेम ऑन कर लिया है क्योंकि मैंने अभी इसके अंदर थोड़ा नमक ऐड करना है, 1 टीस्पून चेक कर लेंगे कम ज्यादा हो तो, और इसको थोड़ा सा भूनना है ताकि नमक जो है ना वो भी पक जाए। ये देखें बिना किसी प्याज के बिना किसी दही के देखें कैसी ग्रेवी गाढ़ी हुई है, इसका नमक को थोड़ा हमने पकाना है फिर इसको इसी में रेशा करना है गोश्त। मैं अभी इसका थोड़ा मसाला जो है ना वो इसमें डालूंगी ताकि मुझे रेशा करते टाइम बिल्कुल मुंह तक ना हो, छींटे ना उड़े। ये देखें चूल्हे से इसको उतार लिया गया है और अभी देखें कितने आराम से रेशा हो रहा है, इसमें ज्यादा मेहनत करने की हमें जरूरत भी नहीं पड़ रही है। आप चाहे तो ठंडा करके हाथ से भी रेशा कर सकते हैं लेकिन प्लीज मशीन में मत करिएगा क्योंकि मशीन में रेशा नहीं होता, वो सीधा चूरा होता है। ये देखिए कैसे इसको रेशा कर लिया था, अब इसको ऐड कर रहे हैं। ये दोनों को मिला के ये देखिए गोश्त और दाल अब मिला के घोटा लग रहा है, थोड़ा हार्ड हो गया। ये है लच्छे, देखें हलीम वो अच्छा जो के चमचे में लिया और गिरा नहीं, देखें कैसे ठीक हुआ हुआ है। ये देखें ये है लच्छा, मेरे हिसाब से बिल्कुल बेहतरीन घोटा हुआ हुआ है। ये देखें अब बस हम इसको रोक रहे हैं और इसको डिश आउट कर रहे हैं, ठीक है फिर डिश आउट करके आपको बताते हैं। तो अब देखें हमारा हलीम बनके तैयार हो चुका है, बिल्कुल मजेदार हलीम जैसा कराची स्टाइल देगी स्टाइल जो बोल रहे हैं आप लोग, तो आप लोग भी अपने घर में ट्राई कीजिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, मरियम मूसा देसी फूड को इंस्टा पे फेसबुक पे ट्विटर पे हर जगह फॉलो कीजिए और फीडबैक दीजिए ट्राई करने के बाद, कमेंट सेक्शन में आके मुझे फीडबैक दीजिए और नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।